हे डूड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड द न्यू डूड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एक नए ऐप की मदद से एडिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो, फोटो में शेयर कर लेता हूँ। एक नए ऐप की मदद से लाइटरूम की तरह एडिटिंग करने वाला हूँ। आप देखिए, बहुत ईजी तरीके। तो यहाँ पर देख सकते हो, फोटो आ चुकी है हम लोग की। ऑल टूल दिख रहा है, रिटच दिख रहा है आपको, तो रिटच छोड़ देंगे। ऑल टूल दिख रहा है, ऑल टूल पर क्लिक करेंगे। ऑल टूल पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट दिख रहा है आपको, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब इफेक्ट आ जाएगा हम लोग का। इसका हम लोग डार्कनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ा। डार्कनेस जो होती है हम लोग की, डार्कनेस बढ़ा लेते हैं। और इसको भी मैं आगे करके दिखा दूँ इसका मतलब क्या होता है। ये ज़्यादा फेड आने वाला है, ये जूम ब्लर है। आप फोटो को जूम करेंगे, ब्लर हो जाएगी फ़ोटो। यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोटो जूम ब्लर है। उसके बाद ये देख सकते हैं, एक ऑप्शन और इसमें, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका पहले डार्कनेस डाल देंगे, उसके बाद इफेक्ट के बाद हम पे रेड वाले पे क्लिक करेंगे। रेड वाले पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसका ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे। पहले मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, पहले प्लस कर लेता हूँ, उसके बाद माइनस करके दिखाऊंगा मैं। फेस पे थोड़ा हम लोग का रिडक्शन पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। इसको हम लोग माइनस कर देंगे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस माइनस करने के बाद सैचुरेशन को भी हल्का प्लस रखेंगे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग इलिप्स पे थोड़ा रेड रेड आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ऑरेंज वाले पे आएंगे। ऑरेंज वाले पे आने के बाद हम लोग बताते हैं आगे स्टेप। तो ये हो गया इसका। ऑरेंज वाले पे आएंगे, ऑरेंज वाले पे आने को सैचुरेशन को हल्का माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए होता है, स्क्रीन ब्राइटनेस के लिए होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन में ब्राइटनेस सी आ गई है। तो इसको कर लेते हैं डन यहाँ से। इसके बाद ग्रीन और येलो वाले पे आएंगे। येलो वाले पे आने को सैचुरेशन प्लस कर लेंगे और हीओ माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ग्रीन वाले पे आएंगे, इसका हीओ माइनस, सैचुरेशन प्लस। यहाँ पे देख सकते हैं, रेड से टोन आ गई। ये एक नया टोन है, आप भी जाके ट्राई करिए। काफ़ी अच्छी एडिटिंग मैंने बताई है, ये नए टोन की बताई है मैंने एडिटिंग नए ऐप से। तो इसको जाके ट्राई करिए। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी। यहाँ पे इसका माइनस प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस के बाद माइनस कर देता हूँ सैचुरेशन। जहाँ मुझे सही लगेगा मैं वैसा रख रहा हूँ। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से रखिएगा, ये कि नहीं मेरे तरीके रखिए, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से मैंने सब कुछ रख लिया। तो इसको कर लेते हैं डन यहाँ से। इसको यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद बिफ़ोर आफ्टर आप खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो गई। यहाँ पे बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लुक आ चुके हैं हम लोग की फ़ोटो में। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से एक अलग से ऑप्शन पर। उसके आगे का स्टेप बताता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इम्पोर्ट आपको दिखेगा, डिस्कवर दिखेगा, एडिट दिखेगा। एडिट पे ही अपनी फ़ोटो रहेगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रेंजिंग पे। फ्रेंजिंग पे आने के बाद इसका हम लोग आगे करके दिखा देते हैं, आगे पीछे करके दिखा देते हैं क्या होता है इससे। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, डिटेल पे आएंगे, डिटेल प्लस कर लेंगे। इसका क्लियरिटी प्लस करेंगे, क्लियरिटी प्लस करने के बाद शार्पनेस आप देख सकते हैं। मेरे पैंट पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी शार्पनेस आ रही है। इसके बाद और सेकेंड वाला ऑप्शन भी मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ। इसका देखिए राउंडनेस होता है, क्या होता है। यहाँ पर ब्लर कर रहा है, अनब्लर कर रहा है। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन में करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब भी यही होता है, थोड़ी बहुत डिटेल पास करना होता है। यहाँ पे डिटेल पास कर दी है मेरी, तो ये हो गया। इसके बाद कवर्स में आप आएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग कवर्स वाले पे क्लिक करेंगे। इसका एंगल हम लोग नीचे की तरफ ले जाएंगे। नीचे की तरफ ले जाने के बाद ऊपर वाले एंगल को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर कर लेता हूँ, डार्कनेस की आगे फोटो में। इसके बाद हम लोग विंटेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, विंटेज पे क्लिक करेंगे। विंटेज की जो पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे हम लोग की साइड साइड शेडो आ जाती है। और फेडिंग का क्या होता है, जो हम लोग की साइड साइड शेडो रहती है उसको फेड कायदे से परफेक्ट करता है। यहाँ पे ये हो गया। इसके आगे का स्टेप ये हो गया, हम लोग का हाईलाइट प्लस कर लेते हैं थोड़ा। हाईलाइट प्लस करने के बाद यहाँ पे राउंडनेस को भी हल्का प्लस कर लेंगे। हम लोग गेन को हल्का प्लस कर लेंगे। अमाउंट आप दिख रहा है गेन का, इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग फोटो में टेक्सचर रहता है, डिटेल रहती है, उसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ से हाईलाइट को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक आ चुकी है हम लोग की फ़ोटो में। ऐसी एडिटिंग आप भी कर सकते हैं पोलार ऐप से। पोलार ऐप नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।